नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्नौज में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। इत्र व्यापारियों के यहाँ मिले करोड़ों रुपए को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि वंशवादियों ने अपनी खराब नीतियों से इत्र उद्योग को भी बदनाम कर दिया है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों माफियाओं के इलाज सिर्फ भाजपा के पास ही है। कन्नौज, इटावा, औरैया और फरुखाबाद की भोजपुर विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जनसभा का आयोजन किया गया था। तिरवा के ऐतिहासिक मां अन्नपूर्णा मेला मैदान में आयोजित इस जनसभा में पीएम मोदी डेढ़ घंटे देरी से पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही पीएम ने बिना देरी किए अपना संबोधन शुरू कर दिया। सपा, बसपा और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले चरण के चुनाव ने बीजेपी के फिर से सत्ता में आने की पुष्टि कर दी है। उन्होंने वोट को समुदाय या जाति के आधार पर न बांटे। पहले प्रदेश के जिलों को माफियाओं के नाम से जाना जाता था, अब जिलों को भाजपा के लिए किए गए कार्यों विकास के नाम से जाना जाता है। समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वंशवादी पार्टियों ने लोकतंत्र के सार को बदलते हुए सिर्फ परिवारवाद का मंत्र दिया, जिसे भाजपा ने खत्म किया। जेल में बंद आजम खान, नाहिद हसन सहित कई लोगों को टिकट देने पर भी पीएम ने सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा उनके ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्री शीटर हैं। इत्र व्यापारी के यहां मिले करोड़ों रुपए मिलने पर पीएम ने कहा कि कन्नौज का इत्र उद्योग भी इन वंशवादी दलों की खराब नीतियों का गवाह है। कन्नौज से जिला ब्यूरो चीफ सीबू सैनी की रिपोर्ट। उनकी नींद हराम हो गई है। वो लोग सोच रहे थे कि जातिवाद फैलाकर, संप्रदायवाद फैलाकर वोटों को बांट देंगे, लेकिन मुझे खुशी है कि यूपी के लोग माफियावादियों, दंगावादियों के खिलाफ एकजुट होकर वोट कर रहे हैं। एकजुटता दंगावाद से मुक्ति के पक्ष में है। ये एकजुटता कानून व्यवस्था के पक्ष में है। ये एकजुटता महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि के पक्ष में है। यूपी के जिन क्षेत्रों में आगे के चरणों का चुनाव है, वहां के लोगों को भी मैं कहूंगा इसी तरह एकजुट रहना है। अपना वोट जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बटने नहीं देना है। साथियों, विकास के लिए, रोजगार के लिए, निवेश के लिए, शांति का माहौल सबसे पहली शर्त है। इसलिए उत्तर प्रदेश आज कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता दे रहा है। यूपी का सामान्य से सामान्य मतदाता भी समझ रहा है कि दंगाइयों और क्या बिना वैक्सीन ऐसा संभव होता, और अगर एक आध दो साल और निकालने पड़ते तो न जाने मेरे कितने परिवार तबाह हो जाते। साथियों, याद रखिए, मोदी विरोध में जो गरीब के जीवन से खेल सकते हैं, वो लोग क्या क्या नहीं कर सकते। डबल इंजन की सरकार है, इसलिए आज यूपी शत प्रतिशत टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। साथियों, इस कोरोना काल ने एक और बात का एहसास सबको कराया। इन घोर परिवारवादियों ने, उनके जो राशन माफिया अगर इस कोरोना काल में होते तो यूपी के गरीबों को ये मुफ्त राशन पहुंचता क्या?
ये राशन मिलता क्या, गरीबों का कूलर जलता क्या? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूपी के गरीबों दलितों पिछड़ों को भूखमरी का सामना करना पड़ता। दिल्ली से जो राशन हम भेजते उसको इनका माफिया अपने गोदामों में बंद कर देता, ब्लैक में बाजारों में बिकवाता। ये जबल इंजीन की सरकार है जो महामारी के इस समय में बीते कई महीनों से गरीब को मुफ्त अनाज दे रही है। और यूपी के लोग, यूपी के गरीब याद रखे, इन गोर परिवारवादियों की आंखों में एक गरीब कल्याण की योजनाएं उनको खटक रही है। पहला मौका मिलते ही वो इन योजनाओं को उसका लाभ गरीबों तक पहुंचना बंद कर देंगे और उनकी ये माफिया कंपनी, कट्टी कंपनी सब कुछ तबाह कर देगी। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए तेजस 24 न्यूज।